Hey guys, welcome, welcome back to my channel. This is Fashion Your Chetna and आज के वीडियो में वैसे मैं आपको बता दूँ कि अभी बहुत ज़्यादा समर है एंड आई थॉट कि मैं एक मिनी स्कर्ट हॉल बना दूँ. वैसे मेरे पास जो मिनी स्कर्ट है वो सब मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस करी है और जो मेरे पास पहली वाली फ्लिपकार्ट की मिनी स्कर्ट है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी. सो यहाँ पे जितनी भी मिनी स्कर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अंडर 500 है एंड आप चाहो तो उनको घर में भी स्टाइल कर सकते हो क्योंकि कुछ मिनी स्कर्ट जो है वो 250 में ही है तो आप इजीली उनको घर में स्टाइल कर सकते हो. अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको शॉर्ट्स पहनना और स्कर्ट्स पहनना पसंद है तो आप उसको घर में भी स्टाइल कर सकते हो और आप चाहो तो उन्हें बाहर भी स्टाइल कर सकते हो. सो मैं एक अफोर्डेबल मिनी स्कर्ट हॉल लेके आई हूँ जो कि मैंने सारी फ्लिपकार्ट से परचेस करी है एंड गाइज आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा. एंड आप लोग कैसे हो गाइज, घर पे ही रहो, सेफ रहो, खुद का एंड खुद की फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखो क्योंकि घर में बोर हो रहे हो लाइक मी कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ. तो अब मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में एंगेज रखती हूँ. सो आप भी ऐसा कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ कर सकते हो, लाइक आपको कुकिंग पसंद है तो कुकिंग कर सकते हो, आपको जो कुछ भी पसंद है ना वो सबसे बेस्ट टाइम है अभी घर में रह के कुछ ना कुछ करने का. सो आपको जो भी पसंद है वो अभी आप घर में बैठ के कीजिए, ट्रस्ट मी गाइज बहुत इन्जॉय करोगे. एंड प्लीज़ मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिएटिव वीडियोज़ बनाना. सो मैं आप लोगों की सजेशन का वेट कर रही हूँ, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से क्रिएटिव आइडियाज़ के वीडियोज़ लेके आऊँगी. सो अभी तो फिलहाल के लिए जो मैं मिनी स्कर्ट हॉल लेके आई हूँ अंडर 500 फ्रॉम फ्लिपकार्ट, सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाइज. सो सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ स्कर्ट शेयर करने जा रही हूँ वो है ये मोडा रैपिडो ब्रांड से एंड इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर है एंड इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा खासा ब्लैक कलर का कॉटन का लाइनिंग मिलता है एंड इसमें जो मेरा वेस्ट साइज़ है वो 30 है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रिंट है इसकी. आप चाहें तो इसे घर में भी स्टाइल कर सकते हो, आप चाहें तो इसे बाहर भी स्टाइल कर सकते हो. मैं इसे घर में स्टाइल करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास अभी है ना थोड़े शॉर्ट्स की कमी हो गई है घर में पहनने के लिए, तो मेरे पास एक भी स्कर्ट नहीं है को मैं घर में स्टाइल करूँ, तो मैं इसको घर में स्टाइल करने वाली हूँ. और इसका प्राइस आप सुनोगे ना गाइस, लाइक इसका MRP प्राइस 1200 रुपीज़ है और मैंने इसका 251 रुपीज़ पे किया है. एंड प्लस पॉइंट ये है कि जब मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था उसके नेक्स्ट डे ही इसका प्राइस 1200 रुपीज़ हो गया था. सो आई एम द लकी पर्सन कि मैंने इसको 250 रुपीज़ में ऑर्डर कर दिया है. एंड राइट नाउ अब मैंने कल फिर से चेक किया था तो उसका प्राइस 400 समथिंग दिखा रहा था. तो जो फ्लिपकार्ट पे है ना प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो आप वैसे भी मैं आपको हमेशा सजेशन में बोलती हूँ कि वेट फॉर सेल एंड डिस्काउंट कूपन्स तभी आप शॉपिंग करें. सो जब भी इसका प्राइस 250 रुपीज हो तो आप इसे परचेस कर सकते हो अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो. नाउ नेक्स्ट डेनिम स्कर्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बट मैंने सोचा कि अंडर 500 है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. सो इसको मैंने जो दिवाली सेल आती है फ्लिपकार्ट की उसमें परचेस किया था एंड जैसा कि आपको मैंने इसकी स्टोरी बताई थी, आजियो पे मैंने 800 पे किया था एंड देन फ्लिपकार्ट से मैंने इसको 478 रुपीज़ में विथ सुपर कॉइन अप्लाई करके मैंने इसको परचेस कर लिया था. एंड यू नो आप देख सकते हो उसका ब्रांड स्पाइकर है और अभी भी आप फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस चेक करोगे तो 1000 या 1200 रुपीज़ आपको दिखा रहा होगा. सो वेट फॉर सेल और इसका जो दिवाली सेल आई थी फ्लिपकार्ट पे उसके बाद में कभी भी इसका प्राइस जो है वो 500 से बिलो नहीं गया है. बट ये मैंने पहले ही परचेस कर ली थी इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ब्रांडेड चीज़ें भी आप डिस्काउंट में परचेस कर सकते हो. बहुत ही अच्छी खासी जब सेल चलती है तब फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एजियो, कोई भी वेबसाइट हो आप सेल का वेट करें और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में आप परचेस कर सकते हो. सो मैंने ये स्पाइकर की स्कर्ट जो है डेनिम स्कर्ट जो है वो बिलो 500 में परचेस करी है एंड इसकी लुकिंग आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बहुत ही अच्छी आती है एंड मेरा वेस्ट साइज जो है वो 30 है. सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है. साइड में जो ये स्ट्रिप वाला डिज़ाइन है बहुत बहुत प्रिटी लगता है एंड बिलो से आप देख ही सकते हो किस टाइप का. सो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली ये स्कर्ट. नेक्स्ट जो स्कर्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये प्रिंटेड स्कर्ट है एंड ये प्योर कॉटन की है. बट थिंग इज़ दैट कि आपको इसके अंदर कोई भी लाइनिंग अटैच नहीं मिलता है. सो कॉटन के अंदर वैसे भी आप शॉर्ट्स वियर कर लोगे ब्लैक कलर का तो बहुत ही अच्छा टाइट्स जो होते हैं वो वियर कर लोगे तो लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इसका जो प्रिंट है एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका प्राइस मैंने 270 रुपीज़ पे किया विथ सुपर कॉइन. बट अभी इसका प्राइस 212 रुपीज़ है विथ सुपर कॉइन. सो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइज, अगर आप चाहते हो तो पिक कर लीजिए. सो इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक
फैब्रिक्स बहुत अच्छा लगा समर के अकॉर्डिंग, एंड यू नो आप इसको घर में और बाहर दोनों जगह स्टाइल कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसे बेसिकली अपने बाहर के लिए स्टाइल करूँगी, क्योंकि जो पहली वाली स्कर्ट है वो उसको मैं घर में पहनने वाली हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली स्कर्ट भी। और स्कर्ट जो आप क्रॉप टॉप के साथ में या ब्लैक कलर के फुल लेंथ के टॉप के साथ में स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। मेक श्योर कि आप क्रॉप टॉप के साथ में स्टाइल करो तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। नेक्स्ट जो स्कर्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दैट डेनिम नहीं बोल सकते हैं, बट ये अलग टाइप का डेनिम आता है, बहुत ही पुराना वाला स्टाइल है, बट ये फिर से चलती आ रही है ये वाली स्कर्ट, इसलिए मैंने ये पिक करी है। एंड सेम स्कर्ट अगर आप पिक करोगे मिंत्रा से सो आपको पड़ेगी 599 ऐसे ही कुछ पड़ेगी, बट ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी सेम, सो ये मुझे पड़ गई है 479 की विद सुपर कॉइन, सो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। एंड आपको इसमें जो है ये साइड पॉकेट मिलते हैं, प्लस फ्रंट में ये बटन डिज़ाइन मिलते हैं, सो इस टाइप की स्कर्ट बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें चाहती थी मुझे पर्पल कलर कुछ यूनिक कलर मिले, बट इट्स ओके मुझे कैमल कलर मिला है, सो कैमल कलर भी अच्छा लगता है कभी कभी आप ब्लैक सम ब्लैक कलर के टॉप के साथ में स्टाइल करते हो तो। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ में बेल्ट आया है जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकते हो, सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इसका ब्रांड जो है वो द ड्राई स्टेट है, सो मैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी गाइस। सो इस टाइप की स्कर्ट जो है पार्टी वेयर लुक के लिए स्टाइल कर सकते हो, इवन आप घर में भी कभी आपका फोटोशूट कर रहे हो तो स्टाइल कर सकते हो, अभी घर में बैठे हैं तो बोर हो रहे हो तो फोटोशूट करोगे तो मिनी स्कर्ट का ट्रेंड तो एज यूजुअल हमेशा रहता है, तो आप स्टाइल कर सकते हो गाइस। जैसा कि आपने मेरा ये मिनी स्कर्ट हॉल वीडियो देखा, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कॉटन स्कर्ट जो होती है वो समर में पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एंड बहुत ही प्रिटी लगती है। सो आपने दो स्कर्ट तो देखी कि मैंने सिर्फ 250-270 रुपीज़ में परचेस कर लिए, सो कितना अफोर्डेबल क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, सो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। एंड डोंट वरी अबाउट द प्रोडक्ट लिंक्स, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा एंड मुझे बताइएगा अगर आप इनमें से कोई भी स्कर्ट परचेस करते हो तो गाइज। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप नेक्स्ट फर्दर कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, या आप शॉपिंग हॉल देखना चाहते हो या ब्यूटी से रिलेटेड मेकअप से रिलेटेड कौन सा वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कॉमेंट करके बताना। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड कोई भी मेरे वीडियो से रिगार्डिंग क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय।